अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको थोड़ी सर तो करवा रहे हैं जा रहे हैं। आई एम डॉक्टर हाफिज आतिफ, सीईओ फॉर स्टेट मेडिसिन प्लेटफॉर्म एंड रिसर्च स्कॉलर एट ड्यूक यूनिवर्सिटी यूएसए। तो आज की ये वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो यूएसए में कर रहे हैं, उनकी मोटिवेशन के लिए कि जो यूएसए में आना चाहते हैं। यूएसए एक ब्यूटीफुल प्लेस जिस तरह की आप देख रहे हैं, और ये टाइम स्क्वायर है और हम इधर आए हैं। और अगर आप यूएसए में आना चाहते हैं तो जब भी न्यूयॉर्क आए, ये टाइम्स स्क्वायर एक ब्यूटीफुल प्लेस है, इसको जरूर विजिट करें। बाकी वो स्टूडेंट्स जो यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे हैं, यूएसएमएलई एक इजी वे है यूएसए में इंटर होने का और एज अ डॉक्टर यूएसए में आने का। एक आपकी मोटिवेशन के लिए, आप इधर के लाइफ कल्चर लाइफ कैसी है वो दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये हमारे डॉक्टर साद हैं और ये मेरे स्टूडेंट भी हैं। ये आज मुझे विजिट करवा रहे हैं इधर का। इनके साथ हमारा पॉडकास्ट भी है कि यूएसए में हम किस तरह जॉब, अगर यूएसए में नहीं किया तो हम किस तरह जॉब कर सकते हैं, तो उस पर हम एक डिटेल वो करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपको कैसा लग रहा है और ये जगह कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये है टाइम स्क्वायर और मैनहट्टन में है, जो कि पूरी वर्ल्ड में एक फेमस स्पॉट है। मतलब पूरी दुनिया के जो विजिटर हैं वो यहाँ पे आते हैं इस जगह को देखने के लिए। तो हमारे पास डॉक्टर आतिफ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पे एज अ यहाँ पे असिस्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। और अगर आपने यहाँ पे एमबीबीएस करके आते हैं तो आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज है, जो कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप एज अ यहाँ पे टीचर काम कर सकते हैं, एज अ प्रोफेसर काम कर सकते हैं नर्सिंग स्कूल में, लाइक आप एनाटॉमी पढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे फिजियो पढ़ा सकते हैं, आप बायोकेम पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, असिस्टेंट की कोई भी स्पेशलिस्ट के साथ काम कर सकते हैं, मेडिकल स्क्राइब के तौर पे काम कर सकते हैं। तो काफी अपॉर्चुनिटीज है और ये वो अपॉर्चुनिटीज है जो कि दूसरी कंट्री से आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं। मीन्स आप $60 to $70 पर आर यू कैन इजी अर्न इफ यू आर असिस्टेंट फिजिशियन असिस्टेंट और इफ यू आर मेडिकल असिस्टेंट, सो यू कैन डू एनीथिंग एल्स। बट द मेन प्रॉब्लम कम ऑन दिस पार्ट, दिस इज अ डिफिकल्ट प्लेस। तो इंशाल्लाह हम डॉक्टर साद से दोबारा एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम उन अपॉर्चुनिटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो है अभी हम ये डॉक्टर साद मुझे लेके आए हैं ये विजिट करवाने के लिए, और ये इनकी हॉस्पिटैलिटी भी है माशाल्लाह, बहुत ही